लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का नौ मई के बारह मुकदमा में जिसमानी रिमांड कालदम करार दे दिया है जस्टिस नमारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि जब दरख्वास्त गुजार को उम्मीद हुई कि वो जेल से बाहर आ जाएगा तब आपने इन मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी कानून तो यह है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चले आप इसे गिरफ्तार करें आपने पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि मुलिम तब उबूरी जमानत पर थे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे जस्टिस नमारूल हक ने दरियाफ्त किया कि आपने इससे पहले तफ्तीश करने की कोशिश की प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मैं आपको रिकॉर्ड से बता सकता हूं इमरान खान ने हमें लिख के दे दिया है कि वो तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का कहना था कि हमारे पास पैमरा की रिपोर्ट रिपोर्ट्स हैं लेकिन दरख्वास्त गुजार तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहे इस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि यह भी देखना होगा कि इतने दिन के रिमार्क्स की जरूरत थी भी या नहीं अगर दरख्वास्त गुजार को टेस्ट नहीं कराता तो इसके नतज वो खुद भुगतेगा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी पी टी आई के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसी अदालत के सामने पेश कर दी उन्होंने बानी पी टी आई की ट्वीट पढ़कर सुनाए इनका कहना था कि एक मखसूस बयानिया बनाया गया इस पर जस्टिस अनवारक ने कहा कि जो आपने ट्वीट पढ़ा है इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि पीटीआई की तरफ से बयानिया बनाया गया इस पर जस्टिस हक ने दरियाफ्त किया कि आप ये बताएं कि आप बताएं वोट को इज्जत दो बयानिया नहीं है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि वोट को आर्मी चीफ की वजह से इज्जत नहीं मिल रही ये कहना तो बयानिया नहीं है ना अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो यह जुर्म कैसे बनेगा